आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। एक सवाल जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको खाए जा रहा है। कौन सा सवाल है भैया? कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम है ना भैया, वो कैंसल्ड हो गया है क्या? अच्छा, वो इस सवाल ये पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ यूट्यूबर जो हैं ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और बहुत सिंपल सवाल है, मेरे बहुत सिंपल सा जवाब है मेरा। वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और वीडियो अपलोड करने के बाद एक पेपर का कटिंग दिखा रहे हैं कि पेपर में ऐसा बताया जा रहा है। तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी ग्रुप डी एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसके बारे में कुछ भी खबर डाल दे तो बच्चे आंधी की तरह वीडियो देखेंगे, ठीक है? और जिनका कोर्स है तो बच्चे वीडियो देखेंगे तो अलग कोर्स बाई करेंगे। तो कुछ भी, मतलब कुछ भी हद है, कुछ भी डाल दो। देखो, अगर पेपर के ऊपर ही विश्वास करना हमें होता तब तो आपका एग्जाम अभी तक हो गया होता। 2019 का फॉर्म फिलअप करने के बाद, 2-3 महीने के बाद, हर एक नया नया पेपर में, हर एक नए नए साइट पर एक ही न्यूज निकल कर आता था हर महीना कि इस महीने एडमिट आएगा, 2 दिन बाद आएगा, रेलवे के चेयरमैन से बात हुआ है, अगले महीना आएगा, 15 तारीख तक कोई पक्का खबर आएगा, लिख कर ले लो, अगले महीने तक पक्का आएगा, ले लो, ये आएगा ले लो, तो ले लो ले लो ले लो, हो गया ले लो। अगर इसके ऊपर ही आपको विश्वास करना हो तो फिर तो बात ही क्या है। जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाता, और हलवा थोड़ी ना है, हलवा है क्या एग्जाम? इतने बड़े मायने पर एग्जाम कंडक्ट करवाना, आप सोचो कितना सरकार पैसा लेकर, सरकार बच्चे सरकार को अंदाजा है एग्जाम कैंसल करने का मतलब क्या होता है। तो मतलब कुछ भी, पेपर कटिंग दिखाकर, पेपर में तो एडमिट कार्ड कब का आ गया, रिजल्ट कब का हो गया, कितने का नौकरी हो गया, अगर पेपर की बात करें तो पेपर मत दिखाइए किसी को, बहुत जन का उम्मीद जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? दूसरा बात मैं आप सभी को यह बोल दे रहा हूं, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल मस्ती करो यार, कोई टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई दिल से करो, टाइमिंग आपके पास है, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत टाइम मिला है आप सभी को, पक्का पता है सभी को कि 2-3 महीने एग्जाम जो है वो एक्सटेंड होने वाला है, बढ़ने वाला है डेट, यानी अपने पास क्या है, अपने पास समय है, समय का यूटिलाइज कैसे करना है ये आपको सोचना है, कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, किसको कितने अच्छे से पढ़ना है। मैंने भी एक टॉपिक आपको करवाया है, कल से मैंने करवाना स्टार्ट किया, पहला टॉपिक क्या है, ट्रिगो। क्यों भैया ये टॉपिक क्यों उठाए? क्योंकि 65% स्टूडेंट ये टॉपिक को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, डर लगता है, समझ में नहीं आता है। पहला वीडियो देखिएगा, अपलोड कर दिए, आप बोलेंगे भैया मजा आ गया। और वीडियो में मैंने पहले बोला है, जब मैं ये टॉपिक करवा रहा हूं ना आप सभी को, तो ये मानकर पढ़ा रहे हैं कि मेरे पास 6 से 7 साल का बच्चा जो क्लास 2 में पढ़ता है उसको समझा रहा हूं। अगर उसको ये किस समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आ रहा है। बस अगर आपके दिमाग में है कि भैया हम डेली आधा घंटा 1 घंटा समय दे सकते हैं, और 10 पार्ट में ट्रिगो कब खत्म हो जाएगा, यानी जिस टॉपिक का पीछा मेरा छोड़ नहीं रहा था, 2 साल से इस टॉपिक के पीछे पड़े थे लेकिन पीछा नहीं छूट रहा था, लेकिन भैया लॉकडाउन में ना ये टॉपिक आपने क्लियर कर दिया, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बस ये सोचो टाइम मिला है, इस टाइम में जिस टॉपिक से हमको डर लगता था उस टॉपिक को दूर भगाया जा सकता है क्या, यानी उस डर को हम भगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये टॉपिक करो, और इसके बाद जो जो टॉपिक बोलेंगे डिमांडेड टॉपिक, वो टॉपिक का वीडियो मिलेगा, और ऐसा मिलेगा ना मैंने ये तक बताया है, ये 3 क्या होता है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं, ये टेढ़ा लाइन क्या है, इसको कर्ण, बहुत बच्चे के तरह समझाया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट शाम को आएगा 4 बजे, देखिएगा उसमें मैंने क्या बताया, आप देखना, डाउट क्लियर वो आप सभी कर सकते हो आज के वीडियो में, ठीक है? तो एग्जाम कैंसल नहीं कैंसल सोचो मत यार, सोचो मत, दिमाग लगाओ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं, ठीक है? चलो।